Mirage 2000 and Sukhoi 30 will do touchdown exercise. And our correspondent Vikas is present. Vikas, we can see a jet approaching. Give us the updates of what's going on at the venue. अद्भुत नजारा अभी आपने देखा, मिराज किस तरीके से हवाई पट्टी को छूता हुआ निकल गया, ऐतिहासिक दृश्य। रिहर्सल को देखा जाए फिर सामने से मिराज आता हुआ आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं एक के बाद एक भारतीय वायुसेना के विमान हवाई पट्टी पर उतरते हुए। ऐतिहासिक क्षण है, आगरा एक्सप्रेस वे पर फिर से एक मिराज आता हुआ आप देख सकते हैं। वो सीधी तस्वीरें फिर से हवाई पट्टी की ओर, और वो लोग बेकरार हैं इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए। भारतीय वायुसेना का ये लड़ाकू विमान मिराज किस तरीके से आ रहा है, अद्भुत क्षण, अद्भुत अलौकिक क्षण, शानदार तस्वीरें भारतीय वायुसेना के लिए, जिसको देखने के लिए सुबह से ही लोग बेकरार थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय वायुसेना के लिए की पट्टी है, और ये आगरा एक्सप्रेस की हवाई पट्टी है। इसकी एक खासियत है कि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों पार्टनरों से मिसाइल रेंज की मार से बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ तक उनकी मिसाइल रेंज नहीं आती है। तो ये हवाई पट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय वायुसेना के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि इस दृश्य इस यहाँ पर लगभग 15 लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे, दो ट्रांसपोर्ट विमान उतारे जाएंगे। मिराज उतर रहा है, ये मिराज देखिए, मिराज भारतीय वायुसेना की ताकत देखिए। छूते हुए गया तो जी, ये बिल्कुल छूते हुए हवाई पट्टी को गया, अद्भुत अलौकिक दृश्य। इसी दृश्य को देखने के लिए लोग सुबह से ही बेकरार थे। अद्भुत नजारा, ऐसे विशेष मौके कभी कभी आते हैं, और ऐसा मौका जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है हवाई पट्टी को, ऐसे ही अभी आगे का टारगेट है। इससे पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतारे गए थे, इसके बाद ये आगरा एक्सप्रेस वे, और इसके बाद लक्ष्य है कि लखनऊ से बलिया जो एक्सप्रेस वे आगे बन के तैयार होगा, उस पर भी भारतीय वायुसेना अपने विमानों को उतार सकती है। हालांकि भारतीय वायुसेना गोरखपुर एयरपोर्ट और वाराणसी एयरपोर्ट पर भी अपने लड़ाकू विमानों को उतार सकती है। और एक बार फिर से वही दृश्य, शानदार दृश्य देखिए, भारतीय वायुसेना का विमान मिराज हवा का सीना चीरते हुए, हवाई पट्टी को छूते हुए सीधा एक बार फिर से आसमान की ओर उड़ गया। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा, अलौकिक दृश्य जी जी बिल्कुल। और इन हवाई पट्टियों के आसपास की अगर बात करें तो काफी खास, महत्वपूर्ण, काफी सुरक्षित है। काफी दिन पहले से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम कर दिए गए थे, 4 दिनों से इसे बंद कर दिया गया था आम लोगों की आवाजाही के लिए, और तकरीबन 2 बजे तक ये एयर शो जारी रहेगा। भारतीय वायुसेना की ये रिहर्सल जारी रहेगी, ये है तैयारी भारतीय वायुसेना की लगातार पूरी रिहर्सल में। अगर देखें तो सुरक्षा व्यवस्था भी जमीन पे 4 लोगों को की गई है, बाकायदा ड्रोन के द्वारा नजर रखी जा रही है। एक ड्रोन हवाई पट्टी के जस्ट ऊपर तस्वीरें दे रहा है ड्रोन के द्वारा किस तरीके से सुरक्षा करनी। एक बार फिर से हम दिखाएंगे ये तस्वीरें हमारे घर में बैठे दर्शकों के लिए, भारतीय वायुसेना की ताकत, ये हवाई पट्टी को छूटा हुआ। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल ये वो दृश्य है जो हमेशा के लिए यादगार पल है। हम
हमारा घर बैठा दर्शक देख रहा है भारतीय वायुसेना की ताकत, देश की ताकत किस तरीके से कभी भी विशेष मौकों पर जंग की स्थितियों में ऐसी ही हवाई पट्टियों का सहारा लिया जाता है। भारतीय वायुसेना भी उन चंद देशों में शुमार हो गई है। दुनिया के कई देश भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। वायुसेना की ताकत को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसकी ताकत में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। यही ये लम्हे लगातार ऐतिहासिक क्षण है भारतीय वायुसेना के लिए। दिन ब दिन हमारी सेना पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते हुए और देशवासियों के दिलों में राज करती है भारतीय वायुसेना। अद्भुत नजारे, अद्भुत क्षण है। आप सीधा देख रहे हैं तस्वीरें। इसके बाद अब तीन मिराज आएंगे यहाँ इस हवाई पट्टी पर। तीन मिराज कुछ ही देर बाद यहाँ पे मिराज इस पट्टी को छूते हुए निकलेंगे। मिराज वायुसेना के विमान जिनका काफी इतिहास रहा है दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाले, 10 मिनट बाद उतरेंगे। मिराज 10 मिनट बाद मिराज यहाँ पे आएंगे। राइट, कृपया हमारे चैनल को